hello girls, how are you? welcome to sacred heart school. english is a fun, yes. so why are you so tense while learning english? enjoy learning it. girls, our new today's topic is verbs. so quickly open chapter verbs and its kinds. so what are verbs? yes, the verbs are the action words. they are the doing words. okay, they expresses actions, process, events or state.

विच यू हैव इन योर माइंड इट इज़ नॉट विजिबल यू हैव अ मेंटल स्टेटस फॉर दैट दैट इज़ मेंटल एक्शन अ स्टेट ऑफ बींग स्टेट ऑफ बींग बी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं इज एम आर कोई चीज़ जैसे कि फाइसे शी इज़ अ गर्ल आई एम अ टीचर तो कोई पर्टिकुलर चीज़ कौन क्या है उसके बारे में जो डिस्क्राइब करेगा एंड पोजेशन मीन्स समबडी इज़ हैविंग समथिंग और नॉट कोई चीज़ किसी के पास है या नहीं है Okay. So possessions be you can use has, have, had, like she has a girl, uh, baby doll, yeah, I have a sweet voice and so on. So hope the kinds are clear. Now, if I talk about the kinds of verbs, there are two basic divisions. Okay, main divisions, it to hai main verbs, and second is the auxiliary or the helping verbs what are main verbs yes all those actions which we can see like read dance cook sleep eat and auxiliary verbs kya hai? they are the helping verbs they support the main verb okay sentence to complete karne ke liye, when we need some helping verbs in the present continuous tenses or in present perfect tenses they are called as auxiliary or helping verbs so girls we will discuss them one by one each, okay so main verbs are of two kinds intransitive verbs and transitive verbs whereas auxiliary verbs they are also of two kinds primary verbs and modal auxiliary let us discuss them in details so first type of main verbs intransitive verb as the name itself is saying intransitive transitive is having an object okay so here there are the verbs in which the actions does not passes over to any receiver किसी रिसीवर पे एक्शन पास नहीं होगा बिकॉज देर इज नो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में दे मेक कंप्लीट सेंस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी द चिल्ड्रन आर स्टडिंग या चिल्ड्रन वर वर्सिंग यू आर नॉट नोइंग वॉट द चिल्ड्रन वर स्टडिंग ठीक है क्या पढ़ रहे थे ये आपको नहीं पता हेंस देर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस दैट्स वाई स्टडिंग इज अर इन ट्रांजिटिव वर्ड सिमिलरली इफ आई सी शाम रन स्लोली शाम रान कर रहा है ठीक है क्या रन कर रहा है ही रोनो स्लोली इज एन एडवर्ब वो बता रहा है कैसे रन कर रहा है आई एम आस्किंग क्या हैंस हियर आल्सो ऑब्जेक्ट इज नॉट नोन टू यू दैट्स व्हाई रन क्या है इन ट्रांजेटिव वर्ब वन मोर एग्जांपल सपोज इफ आई से आई एम टीचिंग मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ ठीक है सो आई एम टीचिंग आई एम नॉट सेंग एनी थिंग की आई एम टीचिंग इंग्लिश आई एम आई एम टीचिंग वर्ब्स आई एम टीचिंग ट्रांजिटिव वर्ब्स कुछ नहीं कहा मैंने जस्ट आई सेड आई एम टीचिंग सो टीचिंग कैसा वर्ब होगा इट विल बी ट्रांजेटिव क्यू बिकॉज आई हैव नॉट टोल्ड यू द ऑब्जेक्ट

सो so इंग्लिश पता है ऑब्जेक्ट पता है आपको हेंस स्टडिंग कैसा uh, आपका वर्ब है इट इज़ ट्रांजिटिव शाम रैन अरेस अब यहाँ पे रैन किया है पीछे भी रैन था फर्स्ट प्रीवियस एग्जांपल्स बट वहाँ व्हाट वाज़ द डिफरेंस वहाँ पे क्या रैन किया ये नहीं पता यहाँ यू नो दैट ही रैन अ रेस शी रैन अ रेस ठीक है सो रैन इज अ ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज यू नो द ऑब्जेक्ट नाउ गर्ल्स इट इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं कई बार मोर देन वन वर्ब्स होते हैं मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स होते हैं आई एम सॉरी सो इन केसेस व्हेन वी हैव टू ऑब्जेक्ट इन द सेम सेंटेंस जिन सेंटेंसेस में एक ही से मतलब वर्ब होगा और दो ऑब्जेक्ट देट आज देट इज़ कॉल्ड एज ड्राई ट्रांजिटिव क्योंकि ड्राई का मतलब ही क्या होता है टू ट्रांजिटिव यू नो विद वि ऑब्जेक्ट ठीक है सो टू ऑब्जेक्ट वर्ब्स वाले सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे दे विल बी कॉल्ड एज डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स वाई बिकॉज दे हैव टू ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर वन इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अनादर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जब हम उस सेंटेंस को पढ़ेंगे जो भी वर्ब के बाद आपको क्या का जवाब देगा वॉट इट विल आंसर द क्वेश्चन ऑफ वॉट दैट विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड जो क्वेश्चन जिस वर्ड से आपको ये आंसर मिलेगा टू होम किस को या किस से डैट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सी एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा ही गेव अ पेन टू मी ठीक है ही गेव अ पेन टू मी मैंने एक सेंटेंस रीड किया सो इफ आई से ही गेव गेव एक वर्ब है यहाँ पर बट कैसा वर्ब है ट्रांसिटिव इन ट्रांजिटिव डाई ट्रांजेटिव लेट अस चेक ही गेव अब क्या गेव किया है उसने मुझे वाट मैंने कहा था ना वाट का आंसर मिलेगा आपको ठीक है ना सो वॉट का आंसर किससे मिल रहा है आपको अ पेन ये वह पेन क्या दिया है उसने पेन तो इसीलिए पेन क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन किसको दिया है टू होम द पेन इज गिवन टू होम का आंसर किस वर्ड से मिल रहा है मी इसीलिए मी क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक और एग्जांपल देखते हैं माय मदर मेड पास्ता फॉर मी ठीक है ये तो मैंने डिवाइड करके लिखा है सेंटेंस अगर बेसिक सेंटेंस क्या है माय मदर मेड पास्ता फॉर मी ठीक है मेड एक एक्शन है यहाँ पर इसलिए मेड इज़ अ वर्ब बट इफ आई से कि मम्मा ने मेड किया है क्या मेड किया है वॉट हैज़ ही शी मेड वॉट का आंसर किस से मिल रहा है आपको पास्ता हैंस पास्ता इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फॉर होम मम्मा हैज़ मेड द पास्ता मी इसीलिए मी क्या है यहाँ पर फिर से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही गिफ्टेड अ न्यू बुक टू हर अब ही गिफ्टेड गिफ्टेड एक वर्ब है बट क्या गिफ्ट किया है अ न्यू बुक हैंस अर्न यू बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे गिफ्ट किया है टू हर सो इसलिए हर इज द इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होप गर्ल्स इट इज क्लियर दट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हमें किसका आंसर देंगे वॉट का एंड इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका आंसर देंगे टू होम का सो डायरेक्ट ट्रांजेट इज द क्लियर गर्ल्स नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मेन पार्ट फर्स्ट वर्स मेन वर्ब्स दोनों हमने पढ़ ली है इन ट्रांजेटिव ड्राई ट्रांजिटिव नॉट टॉक अबाउट ऑगजिलरी वर्ब्स उसके भी दो काइंस पढ़े थे हमने प्राइमरी और मॉडल पहले हम प्राइमरी डिस्कस करेंगे प्राइमरी हैव थ्री काइंस बी डू एंड हैव बी के भी फॉर्म्स होते हैं इज एम आर वॉज वर्ड ठीक है पांच फॉर्म्स है बी के इज एम आर यू ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज़ यूज इन प्रेजेंट टेंस एंड वॉज एंड वर आर यूज फॉर पास टेंस डू के भी फॉर्म्स होते हैं डू डज एंड डिड दिस यू हैव ऑलरेडी डन डू और डस प्रेजेंट टेंस में डू किसके साथ ट्रूरल सब्जेक्ट्स के साथ और डज सिंगल सब्जेक्ट्स के साथ एंड डिड डिट तो है ही पास टेंस में वेदर इट अ सिंगुलर और प्रूर हमेशा वी विल यूज डिड नाउ टॉकिंग अबाउट हैव सेम कंडीशन हैव हैज़ हैड कहाँ यूज़ होता है दे आर यूज विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आप करके कोई काम अभी अभी फिनिश किया है आपने करके कर चुके हो फिनिश और हटे हैं अभी अभी फिनिश करके तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं एट दैट टाइम वी यूज़ हैज़ हैव हैड हैज़ और हैव इज़ यूज विद प्रेजेंट टेंस ज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैव विध प्रूरल ऐसे ही हार्ड इज यूज इन पास टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या प्रूरल सब्जेक्ट्स हो जब भी आप पास परफेक्ट टेंस की बात करेंगे यू हैव टू यूज हार्ड सो गर्ल्स क्लियर दूस ऑफ बी डू एंड है टॉकिंग अबाउट द ऑगजलरी वर्ब्स सेकेंड वन दैट इज मॉडल वर्ब्स ठीक है मॉडल ऑक्जलरीज को आप मॉडल्स भी कहते हैं मोडाइल्स भी कहते हैं सम वर्डी प्रोनाउंस एंड मोडल्स मोडाइल हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल ऑग्जिलरीज इन सो ऑन दे आर द सेम थिंग बट दे आर प्रोनाउंस डिफरेंट इन डिफरेंट वेज ठीक है सो देस कैनॉट भी यूज एज मेन वर्ब्स ये आपके सेंटेंस के मेन वर्ब्स नहीं हैं अगेन आई एम टेलिंग यू दे आर द सपोर्टिंग वर्ब दे हेल्प द मेन वर्ब्स ठीक है जैसे हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करते हैं इज एम आर प्राइमरी वर्ब्स हेल्प करते हैं ऐसी ऑगजिलरी ये वाले वर्ब्स भी हेल्प करते हैं And they are used to describe or express capabilities. Ki aap cheez kar sakte ho possibilities? Hai, chances? Hai. Necessity means ki Obligation means we have to do it. Theke, there are 11 model auxiliaries can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, and used to. And these all will be discussed in your separate chapter that is models. So, girls, hope this is clear and hope you will enjoy learning english always and not be afraid of it keep loving english girls keep learning english because it's really a fun to learn english thank you goodbye take care